आप सभी का बस्सी की रेसिपी एंड ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो बनाएं झटपट बेसन की सब्जी। तो यहाँ हमने बेसन ले लिया है, इसमें वाटर डाल के हम इसे अच्छे से फेंट रहे हैं। हम इसमें अब ऐड करेंगे नमक गाइस। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, फिर हम बनाएंगे तवे पे इसका चीला। ये हमारे हैं कुछ मसाले गाइस। तो हमने यहाँ तवे में डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ रेडी करेंगे बेसन का चीला। इस तरह से हाथों से फैलाएंगे। तो गाइस इस तरह से फैला लेंगे बिल्कुल ही गाइस। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे ये बेसन का चीला इस तरह से चेक करेंगे और फिर हम इसको धीरे से पलटेंगे थोड़ी देर में गाइस। तो अब हम अपने बेसन के चीले को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हमने इसे डोसे स्टाइल में फोल्ड किया है। ये बेसन की जो सब्जी बनेगी उसके लिए रेडी हो चुकी है। ये हमारा एकदम क्रिस्पी चीला रेडी हो चुका है। इसको कट करके हम ग्रेवी में डालेंगे। हम ये अपना सेकंड चीला रेडी करेंगे। इस तरह से हाथों से फैलाएंगे इसे अच्छे से। मॉम स्टाइल बनाएंगे आज हम बेसन की सब्जी गाइस। तो एक चीला हमने यहाँ रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये अभी एक सेकंड हमारा चीला रेडी हो रहा है गाइस। तो देखिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने अच्छे से कट कर लिया है गाइस। तो देखिए हम सभी लोग इस तरह से अच्छे से कट कर लेंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ सब कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। और पैन में हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा हीट हो चुका है। यहाँ डाल दिया हमने तेज़पत्ता गाइस। अब हम यहाँ मेथी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ मसाला रेडी किया है। देखिए हमने यहाँ मसाला ऐड कर दिया गाइस। तो हमने मसालों में पीसा है राई के दाने, प्याज, लहसुन मिर्ची, उसका हमने ये पेस्ट रेडी किया है गाइस। जब तक हमारे मसाले तेल ना छोड़ें समझ जाइएगा कि हमारा मसाला पका नहीं है गाइस। तो इस तरह से हम अपने मसालों को पकाएंगे अच्छे से चला चला के गाइस। हम ग्रेवी के लिए यहाँ हल्का सा वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से चला लेंगे गाइस। हम स्वाद अनुसार यहाँ नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से चला लेते हैं हम लोग गाइस। यहाँ ग्रेवी के लिए हम वाटर ऐड करेंगे गाइस। तो हम इस ग्रेवी को थोड़ी देर ढकने के लिए रखते हैं। जैसे ही हमारी ग्रेवी पककर रेडी होगी उसमें हम ऐड करेंगे ये बेसन के कटे हुए कतली गाइस। हमने इसे यहाँ ढक दिया है, बेसन की कतलियाँ हैं, इसको ऐड करेंगे जब ये ग्रेवी पक जाएगी। तो गाइस हमारी यहाँ ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे बेसन की कतली गाइस। तो हमने यहाँ ग्रेवी में ये बेसन की कतली ऐड कर दी है। थोड़ी देर हम इसमें ढक के पकाएंगे। जैसी तैयार होगी हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बेसन की सब्जी कैसी हुई है गाइस। ये हमारी बेसन की कतली वाली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक बने रहें। थैंक यू।